परवेश वर्मा ने निशाना साधा तो सौरभ भारद्वाज ने भी रिएक्ट किया है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सुनाते हैं आपको। देश के लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ऑपरेट करती है, अपने खिलाफ बोलने वालों के मुंह बंद कराने के लिए क्या करती है। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने यह खुलासा किया कि उनके ऊपर जो सीबीआई की ईडी की धरपकड़ हो रही है उससे संबंधित उनको एक मैसेज आया है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है आप भाजपा में आ जाइए, आपके सारे केस हम सुलट लेंगे। सोचिए भारतीय जनता पार्टी आज किस हद तक गिर चुकी है। और मनीष सिसोदिया जी ने क्या कहा, मुझे लगता है जिन लोगों ने मनीष सिसोदिया के नाम का मजाक उड़ाया, उनके नाम के साथ जुड़े हुए सिसोदिया शब्द का मजाक उड़ाया, उनको भी ये बहुत बड़ा करारा जवाब है। मनीष जी ने बोला जो सिसोदिया लिखा हुआ है ना, ये महाराणा प्रताप के वंश से आया है शब्द। हम वो सिसोदिया हैं जो अपनी गर्दन दे सकते हैं मगर गद्दारी नहीं कर सकते। अब ये मनीष सिसोदिया जी सुबह सुबह क्या भांग खाकर उठते हैं, क्या सुबह सुबह अपनी 1+1 की जो स्कीम है शराब की, क्या उसको ये अवेल कर लेते हैं, मैं नहीं समझ पाता। उनको सुबह सुबह उठकर प्राणायाम करना चाहिए, उनको कपालभाति करनी चाहिए, भस्त्री का प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, ओम का उच्चारण करना चाहिए, तो उनकी बुद्धि उनका मन वो शांत रहेगा। मगर सुबह सुबह बेबुनियाद कुछ भी बोल देना, रात को क्या सपना उन्होंने देखा और सुबह वो क्या बोल रहे हैं, एक दिल्ली का उप मुख्यमंत्री, एक राज्य का उप मुख्यमंत्री ऐसी बेतुकी बात अगर करे तो उसका कोई क्या जवाब दे। तो उनको नाम बताना चाहिए कि उनको जो है किस आदमी ने ऑफर किया है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर चौतरफा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीधे सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और केजरीवाल के स्वराज को शराब राज बता दिया। देश में किताब छपी थी जिसका नाम स्वराज, लेखक अरविंद केजरीवाल जी। स्वराज में अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि सरकारें जनता से बगैर पूछे ठेके बांटती है, महिलाओं से नहीं पूछती, पैसे बटोरती और ठेके दे देती है। हमारा सवाल ये है अरविंद केजरीवाल जी ने किससे पूछकर ठेके खोले, कितने पैसे लिए और आखिरकार इसका जवाब कब देंगे। मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका, ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। अरविंद केजरीवाल मॉडल ही भ्रष्टाचार का मॉडल है कि भ्रष्टाचार में नंबर वन कैसे बनना है, इसके लिए सरकार कैसे पूरी प्रयास करती है। स्वराज में जो उन्होंने कहा, ये स्वराज नहीं शराब राज है। मैं फिर कहता हूं ये अरविंद केजरीवाल जी ने किताब तो स्वराज लिखी लेकिन शराब राज लेकर आए।